हाँ गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज की इस वीडियो में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाला हूं, क्योंकि अभी अभी खलीज टाइम्स की तरफ से इंडिया टू यूएई और भी 5 कंट्रियों की तरफ से कुछ अपडेट्स आई हुई है। वो अपडेट्स मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ। तो उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी ये रहेगी कि जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें, कहीं भी स्किप ना करें, ताकि कोई भी अपडेट्स आप लोगों से छूटे ना। सबसे पहले आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा होगा, जिसमें कि इतिहाद एयरवेज की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट की गई है। और तो स्क्रीनशॉट में आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है यूएई फ्लाइट्स फ्रॉम 5 कंट्रीज सस्पेंडेड अंटिल 21 जुलाई इतिहाद। तो इस न्यूज़ का ये कहना है कि जो इतिहाद की तरफ से ये अपडेट ये कहा गया है कि जो फ़्लाइट हैं वो 21 जुलाई तक सस्पेंडेड हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि कल तक अभी इमरेट्स की तरफ से जो अपडेट्स आई हुई थी वो कहा गया था कि हम उम्मीद जता रहे हैं कि जो फ़्लाइटें हैं वो ओपन हो जाएंगी 7 जुलाई तक। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ये कह पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है सभी के लिए, किसी के लिए कुछ ये कन्फर्मेशन नहीं है, और सभी के लिए कह पाना बहुत मुश्किल हो गया कि फ़्लाइटें जो हैं वो ओपन 7 जुलाई को हो रही हैं या 21 जुलाई को हो रही हैं, या फिर डेट और भी बढ़ सकती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों में कुछ भी कह पाना अभी पूरा का पूरा इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है। इसी के साथ हम आपको एक ट्वीट दिखा देते हैं जो ट्वीट किया गया है, खलीज टाइम्स की तरफ से दिया गया है, और वो ट्वीट इतिहाद हेल्प की तरफ से उसका रिप्लाई आया हुआ है। तो आपको स्क्रीनशॉट एक नज़र आ रहा होगा, जिसमें कि एक मार्च की तरफ से पूछा गया है कि रोज सेट 21 जुलाई, स्काई सेट 6 जुलाई आफ्टर हर, और कैट सेट 6 जुलाई आफ्टर हिम, नाउ आइक्रा सेज 21 जुलाई आफ्टर हर। तो इसमें इतिहाद एयरवेज की तरफ से बड़ा ही शुद्ध जवाब दिया गया है, जिसमें कि यह कहा गया है कि वी अंडरस्टैंड इट इज़ कन्फ्यूजिंग मार्क्स, हाउ एवर वी एक्सेप्टिंग सम अपडेट्स रिगार्डिंग टू द ट्रेवल बैन एक्सटेंशन विच वी जस्ट रिसीव फ्यू मोमेंट्स अगो। आई कैन नॉट कन्फर्म दैट द बैन इज लिमिटेड येट एंड हैज़ बीन एक्सटेंडेड अंटिल 21 जुलाई, अवर वेबसाइट वी विल अपडेटेड शॉर्टली। तो अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि जो लोग ये पूछना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि फ़्लाइटें कब से ओपन हो रही हैं, या फिर फ़्लाइटें 7 जुलाई को अगर ओपन हो रही हैं तो क्या हम अपनी टिकट्स को बुक कर सकते हैं, ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि फ़्लाइटें कब ओपन हो रही हैं ना तो 7 जुलाई कन्फर्म है और ना ही 21 जुलाई कन्फर्म है, क्योंकि ये कोई कन्फर्म नहीं कर रहा कि इस डेट में ओपन ही हो जाएंगी। मैं कर यही सकते हैं कि अभी फ़्लाइट की जो टिकट है वो बुक ना करिए। ठीक है, वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अभी उससे कोई बेनिफिट्स नहीं है। अगर आप फ़्लाइट की बुकिंग बुक भी करते हैं तो कोई कन्फर्मेशन किसी के पास भी नहीं है जो कि आपको दे सके। बेनिफिशियल आप लोगों के लिए यही रहेगा कि जब तक कोई कन्फर्मेशन अपडेट नहीं आ जाती है तब तक आप लोग फ़्लाइट्स की बुकिंग ना करें तो ही अच्छा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट्स थी और कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है डेली पर डेली, दिन प्रतिदिन हम इसको समझते सुनते आ रहे हैं कि इस डेट को जो ओपन हो रही है या इस डेट को आशंका जताई जा रही है। अब इसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, जिसमें सबका जो है वो एक तरीके से जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनका भी और जो लोग इसे हैंडल कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही मुश्किल हो चुका है। ठीक है, तो अभी आप लोग जहाँ हैं वहाँ सेफ़ रहिए और बस जब तक कंफर्म नहीं हो जा रहा तब तक टिकट के फ़्लाइट की टिकट को बुक करने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिए, इसमें आप ही का लॉस होगा। ठीक है, ये मेरा सजेशन था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।